अतिवृष्टि के कारण उल्लासनगर के वीर तानाजी नगर में एक बिल्डिंग के धसक जाने से उक्त परिसर में भय का माहौल व्याप्त है और आसपास के घरों में पानी भर गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। माता मंदिर का पीछे बाजू का जो दीवार था ये गवर्नमेंट ने खरीद लिया है और ये बिल्डिंग गिरने से हमारे घर के ऊपर गिरने से दीवार टूट चुकी है और हमारे घरों में पानी आ चुका है और सामान भी बहुत बह चुका। दुर्घटना होते होते बची है, काश वो बच्चे कोई रहते घर में तो कुछ भी हादसा हो सकता था। तो हमारे जो भी गवर्नमेंट के जो भी हैं अधिकारी लोग उनसे हम गुजारिश करते कि आके इसको जल्द से जल्द वो करें, सही करें। और हमको बहुत तकलीफ है और यहाँ के लोग जो यहाँ के हमारे 5 नंबर के जो भी लोग हैं सबने मदद किया और लोगों के पैरों में काज भी लग चुका है, हमारे भी चोट लग चुका है और गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी कुछ आए देख के चले गए लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। और हमारी जो भाभी है उनका तो सारा सामान बह चुका है और उनका नुकसान भी हो चुका है। अब उनके आगे पीछे कोई है नहीं, जो है हम ये लोग हैं और पहले ही से गरीब हैं, परेशान हैं। यहाँ के लोकल नगर सेवक से आपकी कुछ बात हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। क्या उनको इस घटना की जानकारी दी है आपने? जी हाँ, उनके जो हाथ के नीचे काम करने वाले गणेश भाऊ तो उसको बताया गया है तो वो आए भी और जो हो सका उन्होंने मदद भी किया। कब की घटना है ये? ये करीब 2 बजे की घटना है। कहाँ हुई है ये? माता के मंदिर के पीछे वीर तानाजी नगर में। वीर तानाजी नगर से बात कर रहे हैं हम। माता मंदिर के पीछे पूरा बिल्डिंग का पाया कच्चे मट्टी में बना हुआ है, 2 साल पहले भी गिरा, इतना ही नुकसान हमारा हुआ है, कोई बना के हमको मिला नहीं है। फिर अभी दोबारा भी वही नुकसान हुआ है और कितना इधर कम से कम 5-6 लोगों के घर में तकलीफ है, कितना सामान खराब हो गया और सब मतलब पानी भर रहा है। अगर रात में ये हाल होएगा तो हम लोग किधर जाएंगे? और जो भी है हमारे मदद वाले वो कभी आएंगे? कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।